बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का चैप्टर नंबर 3, विच इज नेटवर्किंग एंड इंटरनेटवर्किंग। जैसे कि आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं बेसिकली, एक तो सिस्टम्स यानी कि कंप्यूटर्स, ठीक है, और उनके बीच में नेटवर्क्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ योर नेटवर्क। तो नेटवर्क के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क का क्या रोल है, नेटवर्क होता क्या है, और नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में किस तरह से हमें काम आता है, उसका क्या पर्पस होता है या उसका क्या यूजेज होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेटवर्क्स एंड इंटरनेट वर्किंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। सो आउटलाइन ऑफ द कोर्स, जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, उसमें कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स, उसके अलावा टाइप ऑफ नेटवर्क्स, प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्क केस स्टडीज एक। सो कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स क्या है, यानी कि दो सब सिस्टम्स हो, यानी कि दो अलग अलग साइट्स हो। जैसे कि हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बैंकिंग की बात करें, तो एक सपोज आपकी ब्रांच जो है वो कराची में है और एक ब्रांच आपकी हैदराबाद में है, एक ब्रांच आपकी किसी और सिटी में है, और वो आपस में कनेक्टेड है विद सम इंटरनेट और नेटवर्क। तो सब सिस्टम्स कैसे हुए, सब सिस्टम्स यानी कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सिस्टम्स पड़े हुए हैं और उनकी आपस में कनेक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच प्रोवाइड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नोन एज कम्युनिकेशन सब सिस्टम्स। तो नेटवर्क में क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि आपके जो दो सिस्टम्स हैं या दो कंप्यूटर्स हैं या दो डिवाइसेस हैं, उनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, मीडिया क्या यूज हो रहा है उसमें, उसमें वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, वायर्ड नेटवर्क हो सकता है। इसके अलावा हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि आपका कंप्यूटर हो गया, आपके हब्स हो गए, स्विचेस हो गए, इसके अलावा रिपीटर्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं, गेटवेज हैं, ब्रिजेस हैं, राउटर्स हैं, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन से हैं, यानी कि दो सिस्टम्स को जब हम कम्युनिकेट करवाएंगे आपस में, तो उसके बीच में हमें जो प्रोटोकॉल्स चाहिए होंगे, वो प्रोटोकॉल्स, मिडलवेयर्स, ड्राइवर्स, दो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ड्राइवर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर हम सब सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं। तो सब सिस्टम्स में ट्रांसमिशन मीडिया, हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, तीन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि दो कंप्यूटर्स में पहले तो हार्डवेयर कंप्यूटर का, यानी कि हार्डवेयर मशीन, उसके अलावा उस मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर्स, और फिर उन दो मशीन्स के बीच में कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। अब नेटवर्क का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, नेटवर्क अगर स्लो होगा तो डेटा स्लो पहुंचेगा, ठीक है, और अगर नेटवर्क फास्ट होगा तो डेटा फास्ट पहुंचेगा। तो जब नेटवर्क स्लो होगा तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। सो परफॉर्मेंस के अंदर हमारे पास लेटेंसी और ट्रांसमिशन डिले, यानी कि अगर आपके पास नेटवर्क के जो मैसेजेस हैं, डेटा के जो मैसेजेस हैं, वो डिले आ रहे हैं, अगर स्लो पहुंच रहे हैं अगर, तो उसमें आपके पास नेटवर्क स्लो होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का रिस्पॉन्स भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जो मीडियम है या जो नेटवर्क है, उसका बहुत बड़ा रोल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर, और हमें ये चेक करना होता है, हमें ये मेक श्योर करना होता है कि नेटवर्क का जो डिले है वो ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा नेटवर्क डिले होगा तो आपका कंप्यूटर जो है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा, और स्लो सिस्टम्स या स्लो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं मार्केट से, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि नेटवर्क का जो डिले है वो दैट शुड बी मिनिमम, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो इंक्रीज हो। नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से हैं, नेटवर्क हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं, इसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपको पता है, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी ऑफिस के अंदर छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करें, उसको वायर नेटवर्क भी बना सकते हैं, वायरलेस भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉपर की वायर, कोएक्सियल वायर, ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर, कोई भी केबल के थ्रू हम लोग इन कैंपस, ऑन कैंपस हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क या सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स
ये हमारे पास दो ऑफिसेस को मिलाने के लिए, दो बिल्डिंग्स को मिलाने के लिए, किसी शहर के अंदर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और उसमें हम लोग उसके अंदर हाई बैंडविड्थ कॉपर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बैकबोन के थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल लेन्स को, यानी कि एक लेन हमारा फॉर एग्जांपल सिटी में है और एक लेन हमारा जामशोरों में है, एक लेन किसी और जगह में है, एंड यू वांट टू कनेक्ट देम, यू कैन यूज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड यू कैन कनेक्ट देम, राइट। सिमिलरली वी हैव वाइड एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स में हमारे पास सिटीज़ को कंट्रीज़ को कनेक्ट करना हो आपस में, इसकी रेंज और ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, और इसको अगर हमें कनेक्ट करना होगा तो वी कैन यूज़ राउटर्स, वी कैन यूज़ ब्रिजेस, ठीक है, और इसमें हेट्रोजिनिटी को एड्रेस करना होगा। हेट्रोजिनिटी का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स आ जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, यानी कि किसी जगह पे वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, किसी जगह वायर्ड नेटवर्क हो सकता है, किसी जगह पे नेटवर्क की स्पीड तेज़ हो सकती है, किसी जगह नेटवर्क की स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन वो सारे इंटरनेट के ऊपर वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हेट्रोजिनिटी को एड्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, ठीक है। और वायरलेस नेटवर्क्स का आपको पता है कि ऐसे नेटवर्क्स जिसमें वायर का इस्तेमाल ना हो, ठीक है, और वो वायरलेस सिग्नल्स जनरेट करते हो और हम लोग उनके थ्रू अपने डेटा की ट्रांसमिशंस करते हैं, ठीक है जी। सो ये हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स हैं, जैसे कि हम लोग अपने पास घर पे भी वाईफाई लगा दिया होता है, अगर सम टाइम ऑफिस में वाईफाई होता है, ठीक है, एयरपोर्ट्स के ऊपर, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर वाईफाई है, वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, इनकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड उस पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर होती है, ठीक। और वायरलेस जो लेंस होते हैं वो 150 मीटर तक उनकी रेडियो लेंथ हो सकती है, यानी कि वो इतनी रेंज के अंदर काम कर सकते हैं। और GSM जो होते हैं, यानी कि जो मोबाइल के जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं या जो ऐसे नेटवर्क्स हैं जो वर्ल्ड पूरे शहर को या दो कंट्रीज के अंदर, एक कंट्री के अंदर पूरा नेटवर्क हेल्प कर सकते हैं, जिसको वायरलेस वेम्स कहते हैं, और उसके अंदर GSM टेक्नोलॉजी, UMTS टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर जो फ़र्क है वो स्पीड का है, और वायरलेस लोकल घर के लिए या ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं वो मेगाबिट्स के अंदर और फिर 150 मीटर्स की रेंज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और इसकी रेंज ज़्यादा है। उसके अलावा वायरलेस पर्सनल नेटवर्क्स, ये छोटे से जो नेटवर्क्स हम लोग क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करें, या सपोज दो मोबाइल फ़ोन्स आपस में कनेक्ट करें, तीन चार मोबाइल फ़ोन्स कनेक्ट करें, लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट करें, किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर जिसकी लेंथ, जिसकी जो रेंज है वो लेस देन 10 मीटर्स, यानी कि छोटी सी एरिया के अंदर अगर एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी टाइप ऑफ नेटवर्क है। ये यहाँ पे इस टेबल के अंदर समराइज्ड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप। अच्छा, उसके अलावा इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट वर्क्स का यानी कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट के अंदर जो है सेवरल नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, और उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए राउटर्स, ठीक है, राउटर्स, स्विचिंग गेटवेज, ये हमें चाहिए होते हैं, और डिफरेंट एड्रेस स्कीम्स चाहिए होती हैं, डिफरेंट एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम लोग अपने डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट रेंज ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करा सकें और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को बना सकें। अब एक कंप्यूटर से डेटा जब निकलता है दूसरे कंप्यूटर पे, जब डेटा जा रहा होता है तो डेटा इज सेंट इन पैकेट्स, ठीक है, पैकेट के अंदर डेटा डाला जाता है और वो पैकेट सेंड कर दिया जाता है टू द डेस्टिनेशन मशीन। ये इसी तरह ही है जैसे आप लोग अगर अपने किसी दोस्त को कोई पार्सल भेजना चाहते हो, कोई स्टफ़ सेंड करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो, कोई सामान है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कुरियर सर्विस के पास जाएंगे, वो आपका डेटा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सामान किसी डब्बे में डालेगा, पैकेट में डालेगा, उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखेगा आपके दोस्त का, ठीक है, और वो सेंड कर देगा, भेज दिया जाएगा आपके दोस्त के पास उस एड्रेस के ऊपर। सिमिलरली नेटवर्किंग में ऐसा ही है कि अगर एक कंप्यूटर से डेटा जब दूसरे नेटवर्क या दूसरे कंप्यूटर पर जाता है तो डेटा को पैकेट के अंदर डाला जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं और उन पैकेट्स के अंदर डेटा को डाला जाता है और वो पैकेट्स के ऊपर एड्रेस लगा दी जाती है जिस जगह पे उस डेटा को जाना होता है, एंड डेटा इज सेंड टू द डेस्टिनेशन मशीन। अब उसमें जो हमारे पास है पैकेट की साइज, पैकेट कितना बड़ा हो सकता है, लेंथ, ठीक है, लेंथ उसकी उतनी होगी जितना बफर की साइज है,
बफर की साइज यानी कि जितना पैकेट आप यहाँ से सेंड करें और रिसीवर के पास कैपेसिटी कितनी है कि वो पैकेट जाके उसके बफर में स्टे करे, वेट करे जब तक के वो दूसरे पैकेट्स रिसीव करता रहे और जब आपके पैकेट की बारी आ जाए, ठीक है, क्यू यानी कि बन जाती है और उस क्यू में जाके वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसका नंबर आता है तो वो रिसीव हो जाता है टू द डेस्टिनेशन मशीन। तो बहुत बड़ा पैकेट सेंड करेंगे तो अगर नेटवर्क स्लो होगा तो आपका पैकेट पहुंच नहीं सकेगा, या देर से पहुंचेगा या स्लो हो जाएगा। और छोटे छोटे पैकेट बनाने का फायदा ये होगा कि जल्दी जल्दी पैकेट्स डिलीवर हो जाएंगे और क्विकली वहां पे अराइव भी हो जाएंगे और ज्यादा डिले भी नहीं होगा उसमें। अच्छा, इसमें जो पैकेट्स की सेंडिंग रिसीविंग है या जो डेटा की सेंडिंग रिसीविंग है या कम्युनिकेशन जो होती है उसमें स्विचिंग का बड़ा काम है। स्विचिंग का मतलब होता है कि यानी कि दो नेटवर्क्स के बीच में डेटा को सेंड और रिसीव करना, दो मशीन्स के बीच में। सपोज एक यहाँ पे हैदराबाद में है और दूसरी कराची में है, तो इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स इन्वॉल्व होंगे। या फिर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, अगर किसी घर के अंदर नेटवर्क बना हुआ है और आप किसी कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसमें आपके पास स्विचिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब स्विचिंग जो है वो चार तरह की टेक्निक्स है। एक ब्रॉडकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट में क्या करते हैं हम लोग, एक मैसेज बनाते हैं और उसको सेंड करते हैं और जितने कंप्यूटर मौजूद होते हैं ना नेटवर्क के ऊपर सबके पास वो मैसेज जाता है, और जिस कंप्यूटर का एड्रेस मैच हो जाता है उस मैसेज के साथ वो कंप्यूटर उस मैसेज को रिसीव कर लेता है, और जिस कंप्यूटर के साथ मैसेज की एड्रेस मैच नहीं होती वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, यानी कि वो उसको रिसीव नहीं करता, ठीक। तो ब्रॉडकास्ट करने का मतलब सबके पास मैसेज जाएगा, जिसका वो मैसेज है वो रिसीव करेगा, बाकी उसको रिसीव नहीं करेंगे, ठीक। सिमिलरली ये ऐसा भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट में सबको वो मैसेज भेजना है तो भी कर सकते हैं, मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दे सबके पास पहुंच जाएगा, सब उसको रिसीव कर सकते हैं। इसमें हब यूज कर सकते हैं समटाइम्स, ठीक है, और स्विचेस इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं रिक्वायर नो स्विचेस। सर्किट स्विचिंग में हम लोग क्या करते हैं, सर्किट स्विचिंग के अंदर हम ये टेलीफोन वगैरह में इस्तेमाल होता था पुराने दौर में भी, जैसे किसी तीन चार फोन कनेक्टेड है, जैसे एक्सचेंज में नहीं बैठे होते बंदे, तो कोई कॉल आती है तो वो आपसे पूछते हैं कि जी किसके साथ बात करनी है या कौन सी एक्सचेंज नंबर डायल करना है। तो आप सपोज करें आपने यूनिवर्सिटी में फोन किया और वो फोन गए एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज वाले ने आपसे पूछा कि कौन से डिपार्टमेंट में नंबर मिलाना है, तो उसने आपने कहा मुझे एडमिशन डिपार्टमेंट में बात करनी है, तो उसने सर्किट स्विचिंग के थ्रू आपकी जो वायर है यानी कि जो आपका जो कनेक्शन है वो क्रिएट कर दिया एडमिशन डिपार्टमेंट वाले के साथ, और आप एडमिशन डिपार्टमेंट वाले के साथ बात कर सकते हैं। यानी कि सर्किट स्विच होने का मतलब ये है कि आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा वेन एवर यू टाइप सम यू नो एक्सचेंज नंबर और एक्सटेंशन नंबर, तो वो पर्टिकुलर स्विच चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉकेट के साथ पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी, और उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आप अपनी कम्युनिकेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं, फिजिकल लिंक क्रिएट हो जाएगा बाकायदा आपका। फिजिकल लिंक का मतलब यानी कि डेस्टिनेशन और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता, पैकेट स्विचिंग में क्या करते हैं कि जब आपने सपोज कोई मैसेज सेंड किया, डेटा सेंड किया, तो आपके पास जो होगा वो पैकेट्स आप क्रिएट करके पैकेट्स के ऊपर एड्रेसेस लगा के पैकेट भेज दोगे। अब पैकेट्स जो है वो जाके पर्टिकुलर स्विच के ऊपर पहुंचेंगे, अब स्विच उनकी एड्रेस को पढ़ेगा, चेक करेगा कि कौन सा पैकेट कौन से पोर्ट के ऊपर भेजना है, ठीक है। सपोज 10 कंप्यूटर है, कंप्यूटर आईपी एड्रेस 1, कंप्यूटर आईपी एड्रेस 2, कंप्यूटर आईपी एड्रेस 3, अब मैसेज आए आईपी एड्रेस 3 के लिए, तो वो पैकेट सिंपल पैकेज नंबर पोर्ट नंबर 3 के पास भेज दिया जाएगा, बाकियों के पास वो पैकेट्स नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से पैकेट स्विचिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि वो हर पैकेट के ऊपर एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और पर्टिकुलर जगह पे उन एड्रेसेस को पैकेट्स को भेज दिया जाता है। सो ईच स्विच नोड कनेक्शन पॉइंट अ कंप्यूटर मैनेजेस द पैकेट बाय रीडिंग ईच वन इनटू मेमोरी एग्जामिनिंग इट्स डेस्टिनेशन एंड चूजिंग आउटगोइंग सर्किट अप्रोप्रिएट, यानी कि हर पैकेट के ऊपर वो सर्च करता है कौन सी एड्रेस का वो पैकेट है, उस एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है और पर्टिकुलर जगह पे वो पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। फ्रेम रिले में फ्रेम्स क्रिएट होते हैं, पैकेट्स की तरह फ्रेम्स होते हैं, उन फ्रेम्स के ऊपर एड्रेसेस लगी हुई होती हैं और पर्टिकुलर फ्रेम रिले नेटवर्क्स के ऊपर वो डेटा ट्रेवलिंग करती है। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो फ्रेम रिले नेटवर्क्स क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये ATM नेटवर्क्स के ऊपर काम करते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
लेकिन ये चार टाइप है स्विचिंग के। स्विचिंग का कंसेप्ट आई होप आप लोगों को पहले से भी होगा। अच्छा, उसके बाद प्रोटोकॉल क्या चीज है। प्रोटोकॉल जो है वो दो मशीन के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवानी हो रहा तो सेम प्रोटोकॉल दोनों मशीन पे इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन दोनों मशीन फॉलो करती हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या आपको ये जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग इन यू नो उर्दू लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। सो व्हाट प्रोटोकॉल वी आर यूजिंग बेसिकली इंग्लिश प्रोटोकॉल और उर्दू प्रोटोकॉल। सो उर्दू इज अ लैंग्वेज, सिमिलरली इंग्लिश इज ऑल्सो लैंग्वेज, और वो दोनों ये दोनों प्रोटोकॉल से समझ लें और हम दोनों को इसके रूल्स पता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो कंप्यूटर्स के अंदर सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं और इन प्रोटोकॉल्स के अंदर छोटे छोटे और प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो उन रूल्स को फॉलो करता है। और तो सोर्स कंप्यूटर वो रूल्स फॉलो करता है, डेस्टिनेशन को वही रूल्स फॉलो करने होते हैं ताकि वो मैसेजेस को रीड कर सके, और डेस्टिनेशन अगर रिप्लाई करना चाहे उन्हीं रूल्स के हिसाब से मैसेज बनाएगा ताकि सोर्स में मशीन को वो रूल्स समझ वो रूल्स को फॉलो करते हो मैसेजेस को समझ सके। जैसे कि इधर दिखाया है कि लेयर्स के अंदर प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो जैसे एन लेयर के ऊपर कोई मैसेज है, ये यहाँ से ट्रेवल करके इधर आना चाह रहा है इस मशीन के ऊपर, सेंडर है ये और ये रेसिपिएंट है, और ये बीच में कम्युनिकेशन चैनल यानी कि वायर हो सकती है, नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, लेकिन इस कंप्यूटर के ऊपर और इस कंप्यूटर के ऊपर सेम प्रोटोकॉल होगा तो ही ये रूल समझ सकेंगे। यानी कि इधर अगर आपने TCP यूज किया है तो इधर भी TCP होना चाहिए, अगर इधर UDP यूज किया है तो इधर भी UDP होना चाहिए। और ये जो लेयर्स यूज करेंगे, आपको पता है प्रोटोकॉल्स लेयर्स में काम करते हैं, तो इधर की जो लेयर्स फॉलो करते जाएंगे तो इधर की लेयर्स के ऊपर वो समझ में आएंगे और वो फिर उनके रूल्स को समझ सकेंगे, एंड देन डेटा कैन बी एक्सेस। सो नाउ देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा देता है, प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर को डेटा देता है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा देता है, और ये नेटवर्क लेयर को। तो डेस्टिनेशन मशीन पे जब ये पहुंचेगा तो वो उसको रीड करेगा नेटवर्क पहले, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे पढ़ेगा उसको, फिर सेशन वाला पढ़ेगा, देन प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। सो ईच लेयर विल डिकोड इट एंड देन फाइनली मैसेज विल बी अंडरस्टूड बाय द डेस्टिनेशन मशीन। जैसे यहाँ दिखाया है एप्लीकेशन लेयर से डेटा निकला, प्रेजेंटेशन को मिला, प्रेजेंटेशन ने अपने रूल्स लगाए, सेशन वाले को दिया, सेशन वाले ने अपने रूल्स लगाए, ट्रांसपोर्ट को दिया, ट्रांसपोर्ट ने अपने रूल्स लगाए, नेटवर्क को दिया, नेटवर्क ने अपने रूल्स अप्लाई किए, डेटा लिंक को दिया, डेटा लिंक ने अपने रूल्स लगाए, और फिजिकल को दे दिया। ये डेटा मैसेज ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा तो सबसे पहले फिजिकल वाला इसको रिसीव करेगा, फिजिकल वाला अपने रूल्स पढ़ेगा, डेटा को ट्रांसलेट करके इसको देगा, डेटा लिंक वाले अपना रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और वो अपने रूल्स पढ़ने के बाद डेटा को ट्रांसलेट करके इस लेयर को देंगे, एंड वन बाय वन जाके ये इस मशीन पे डेटा पहुंचेगा, एंड देन फाइनली डेटा विल बी अंडरस्टूड बाय द डेस्टिनेशन मशीन। सो दिस इज हाउ प्रोटोकॉल वर्क्स। ये यहाँ पे उनके रूल्स लिखे हुए हैं, यू कैन रीड देम। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और इन क्लास, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग में या जो इस कोर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेयर्स है ना, वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। एक ट्रांसपोर्ट लेयर, दूसरा है नेटवर्क लेयर, ठीक है, और तीसरा है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तीन लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर तीन लेयर्स के ऊपर सारा काम, ठीक है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये पोर्ट एड्रेस को यूज करता है, PORT पोर्ट, ठीक है, पोर्ट एड्रेस। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर जो है ये लेन्स को आइडेंटिफाई करता है, और ये IP एड्रेस को यूज करता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको आप कहते हो IP एड्रेस। और डेटा लिंक लेयर जो है ये यूज करता है मेक एड्रेस को, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को, जो कि फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में कि ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेस को यूज करता है, और पोर्ट एड्रेसेस आपको पता है किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट एड्रेसेस यूज होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने कोई मैसेज सेंड करना है तो आप जाहिर सी बात है वो मैसेज किसी प्रोग्राम के थ्रू सेंड करोगे, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैसेज जाएगा, तो वो रिसीव भी उस सॉफ्टवेयर पे होगा, एंड टू आइडेंटिफाई दैट सॉफ्टवेयर यू हैव टू यूज पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर विल बी यूज टू आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को रीड करने के लिए आप लोग जो सॉफ्टवेयर जिस मशीन पर इंस्टॉल है उस मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यू विल यूज IP एड्रेस, एंड उस
मशीन को अगर आपने राउटर के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, किसी स्विच के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए यू विल यूज मैक एड्रेस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, एप्लीकेशन से मैसेज निकला, ट्रांसपोर्ट पे आया है फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रांसपोर्ट पे पोर्ट एड्रेस होगा, ठीक। पोर्ट एड्रेस से पता चलेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर में ये मैसेज रिसीव होना है, कौन सा सॉफ्टवेयर उस मैसेज को रीड करेगा, ठीक है। मैसेज यहाँ से ट्रेवल करके जाता है और जाके आपके पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है, और पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर रिसीव होता है। पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, अच्छा, राउटिंग क्या होती है, राउटिंग हमें जब हम लोग कोई मैसेज सेंड करते हैं ना किसी नेटवर्क से, तो मल्टीपल नेटवर्क्स के ऊपर, एक सपोज करें यहाँ से हैदराबाद से मैसेज निकला है कराची जाएगा, तो बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे राउटर्स इन्वॉल्व होंगे, तो जो पैकेट्स होते हैं वो मल्टीपल नेटवर्क से, मल्टीपल जो हमारे पास राउटर्स हैं वहां से गुजरते हुए जाके डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो जो मैसेज होता है, वो कोशिश हमारी ये होती है कि जो मैसेज है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जल्दी पहुंचे और शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू पहुंचे, तो उसके लिए हम लोग राउटिंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, डिफरेंट राउटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, और जितना जल्दी पहुंचना होता है पर्टिकुलर राउटर के थ्रू, वो मैसेज पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू, पर्टिकुलर शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू पहुंच जाता है। जैसे यहाँ दिखा है कि ये मैसेज यहाँ से निकलना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसे भी जा सकता है इधर, और इस तरफ से ऐसे गुजर के ऐसे भी जा सकता है, वन से गुजर के फोर से होके फाइव से होकर ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। मल्टीपल रूट्स हैं, मैसेज किसी भी रूट से जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, मल्टीपल रूट्स हैं, आपको जिस रूट के थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगेगा वो मैसेज उस रूट से जाएगा। अब ये एफिशिएंसी होती है राउटर की कि वो उसको कौन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्विक मैसेज को डिलीवर करा। ये उसका छोटा सा कोड है, इसको देख लेना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी दिस हाउ इट वर्क्स। इंटरनेट वर्किंग में अब आपको पता है कि मल्टीपल किसी भी कंपनी का नेटवर्क या इंटरनेट जो होता है या जो नेटवर्क होता है वो मल्टीपल उसके अंदर सबनेट्स होते हैं, ठीक है। सबनेट्स का मतलब है बड़े बड़े नेटवर्क्स जो होते हैं वो छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलकर बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, तो जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं उनको सबनेट्स कहते हैं हम लोग। तो सबनेट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यू नो आईपी एड्रेसेस, उनके अंदर मल्टीपल आईपी एड्रेसेस और उनके सबनेट मास्किंग जिसको हम कहते हैं, उनके थ्रू हम सबनेट्स डिफाइन करते हैं। ये आपने नेटवर्किंग कोर्स में पढ़ा भी होगा हाउ टू क्रिएट सबनेट्स, ठीक है। जैसे कि ये एक सबनेट है, यानी कि एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ सबनेट है, यहाँ पे सारे स्टाफ की कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मशीन कनेक्टेड है, और ये स्टूडेंट्स का सबनेट है जिसमें स्टूडेंट्स के कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह कनेक्टेड है, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है सबनेट्स को हमने ब्रिज के थ्रू, ये जो डायग्राम है, दिस शोज के ये राउटर है, ब्रिज है, ठीक है, इसके थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इनको अलग अलग आई पी एड्रेसेस भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 138.37.95.240, और इधर आकर देखें तो इधर 138.37.94.251, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। इनको कनेक्ट करने के लिए आपने बीच में चाहे तो राउटर लगा दे, चाहे तो ब्रिज वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये सबनेट्स आपस में कनेक्ट हो सके। ये है एक ही कंपनी के, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर हो सकते हैं, अलग अलग उनको अलग अलग बनाने के लिए हम अलग अलग सबनेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको अलग अलग आई पी एड्रेसेस दे सकते हैं हम लोग। आप सबनेट्स बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ सबनेटिंग। अच्छा, राउटर्स यूज कर सकते हैं आप लोग चाहे तो सबनेट्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर चाहे तो ब्रिजेस भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। राउटर और ब्रिजेस आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कराने में, या फिर सबनेट्स को कनेक्ट कराने में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हब यूज कर सकते हैं आप लोग, अगर छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बनाना हो किसी ऑफिस का, घर का, तो आप हब एक डिवाइस है, उसके थ्रू आप नेटवर्क को कनेक्ट करा सकते, मल्टीपल मशीन्स कनेक्ट करा सकते हैं, 4, 5, 10 मशीन्स चाहे तो उसमें 8 मशीन 16 मशीन्स के हब मिलते हैं। ये इतने एफिशिएंट नहीं होते, ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है, और लेकिन डेटा को सेंड कर देते हैं सारे मशीन्स के पास, और जिसकी वो डेटा होती है वो रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, स्विचेस जो होते हैं ये थोड़े एफिशिएंट होते हैं, होते हब की तरह ही है, लेकिन ये थोड़े एफिशिएंट होते हैं और ये डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करते, बल्कि जिसका मैसेज होता है उसी एड्रेस पे वो सेंड करते हैं, बाकी कंप्यूटर्स पे वो मैसेज नहीं जाता, ठीक है। सो दिस इज फास्टर एंड दिस वन इज स्लोअर, यू कैन से नॉट एफिशिएंट एंड दिस वन इज एफिशिएंट, ठीक है। और
इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जो हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स में जिसकी प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, तो हम TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर जो हम, क्योंकि TCP/IP एक सूट ऑफ प्रोटोकॉल है, यानी कि TCP/IP के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, उसमें HTTP प्रोटोकॉल है, SMTP POP3 प्रोटोकॉल TCP के अंदर आ जाता है, FTP TCP के अंदर आ जाता है, NNTP TCP के अंदर आ जाता है, Telnet TCP के अंदर आ जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं TCP/IP के अंदर, जो कि आपके लिए डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं ये आप लोग पढ़ना चाहें अगर, तो TCP/IP प्रोटोकॉल को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आप लोगों को जो इस कोर्स में सिखाऊंगा प्रोग्रामिंग, उसमें हम लोग TCP और UDP प्रोग्रामिंग करेंगे, जो कि TCP के छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स यानी कि HTTP प्रोटोकॉल, FTP, इनको यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट सर्विसेज को क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, तो ये TCP/IP के अंदर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर UDP TCP यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये यूज होता है, यानी कि जो आपका पोर्ट एड्रेस होता है वो पोर्ट या तो UDP पोर्ट होगा या तो TCP पोर्ट होगा। और जब TCP या UDP पोर्ट को यूज करेंगे और कंप्यूटर को जब वो डेटा जाएगा, तो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका इधर चाहिए होता है नेटवर्क लेयर के ऊपर, जिसको इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आपको IP डेटाग्राम यानी कि IP एड्रेस चाहिए, ताकि आप उस कंप्यूटर को होस्ट को पहचान सकें, ठीक है। और ये कुछ इस तरह काम करता है, ये आपको देता है एप्लीकेशन मैसेज, जाते हैं इसके ऊपर पोर्ट एड्रेस लगाता है TCP, ठीक है, और पोर्ट एड्रेस के बाद TCP हेडर लगाया जाता है, हेडर के बाद ये IP एड्रेस को दिया जाता है, और उसके बाद ये MAC एड्रेस के थ्रू जाता है आपके नोड के थ्रू डेस्टिनेशन मशीन की तरफ जाता है। ओके, नाउ IP एड्रेस जो है इसमें TCP प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, और हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो एक तो TCP की प्रोग्रामिंग और दूसरी ये UDP की प्रोग्रामिंग, दो प्रोटोकॉल्स हैं टोटल ट्रांसपोर्ट लेयर के, याद रखिएगा, ठीक है, एक TCP दूसरा है UDP, ट्रांसपोर्ट लेयर के ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि डेटा जो भी ट्रेवल करता है वो या तो UDP डेटा होता है यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का डेटा, या तो फिर TCP डेटा होता है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। TCP के अंदर हम लोग वो डेटा सेंड रिसीव करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, मैसेजेस हो गए, जिसमें रिलायबिलिटी चाहिए, जो डेटा हम लूज नहीं करना चाहते, हम लोग गारंटी चाहते हैं कि डेटा मशीन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, उसकी गारंटी अगर हमें चाहिए तो हम लोग TCP प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, ठीक है। और UDP प्रोटोकॉल हम तब यूज करते हैं जैसे कि वीडियो हो, ऑडियो हो, लाइव स्ट्रीमिंग्स हो, जिसमें हमें स्पीड चाहिए होती है, यानी कि फास्ट डेटा चाहिए होता है, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, लेकिन फास्ट डेटा चाहिए, तो फिर हम लोग UDP प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे। तो ये दोनों की प्रोग्रामिंग हम लोग इस कोर्स में करेंगे। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी कि सपोज ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है, ये अगर क्लाइंट आपका TCP पर है और सर्वर भी TCP पे होना चाहिए, अगर सर्वर आपका TCP पर है तो क्लाइंट भी TCP पर होना चाहिए, अगर UDP पर है दोनों तो UDP पर होना चाहिए, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे अगर होंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये हैं दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, या तो ये यूज कर सकते हो UDP या तो फिर TCP। अच्छा, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जिनमें ये दोनों प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो मैसेजेस वगैरह सेंड रिसीव कर रहे होती है, डॉक्यूमेंट्स भी, इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल्स, ऑडियो वीडियो मैसेजेस भी होते हैं, तो इसलिए UDP भी चाहिए, तो दोनों हमारे पास प्रोटोकॉल्स भी यूज होते हैं, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये एप्लीकेशन यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों को IP एड्रेस चाहिए ताकि मशीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, IP उनके नीचे होता है। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें IP एड्रेस चाहिए होगा हमें, और दूसरा TCP चाहिए होगा या फिर UDP चाहिए। मैं इसकी आपको नेक्स्ट जो हमारे क्लास है उसमें प्रोग्रामिंग भी सिखाना स्टार्ट करूंगा, UDP की और TCP की, ताकि हम लोग अपने छोटे क्लाइंट और सर्वर प्रोग्राम्स बनाना सीखें। अच्छा, IP एड्रेसेस आपको पता है क्या होती है, IP एड्रेसेस आपको पता है IPv4 भी है, IPv6 भी है, IPv4 में आपकी IP एड्रेस 32 बिट होती है, और IPv4 के 6 के अंदर आपको IP एड्रेसेस 128 बिट होती है, जिसके अंदर IP एड्रेसेस 2^32 है, यानी कि 4 बिलियन तक IP एड्रेसेस है, और 128 के अंदर आपके पास 2^128 इसमें बहुत सारा IP एड्रेसेस है, इसको नंबर भी मुझे नहीं पता कितनी है, तो क्योंकि डे बाय डे डिवाइसेस इंक्रीज होती जा रही है, कंप्यूटर बढ़ते जा रहे हैं, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, तो
तो इसलिए ज्यादा एड्रेसेस चाहिए, तो इसलिए अब जो यूज होने वाला है दैट इज IPv4। ये 1994 में आया था और ये 1984 के अंदर है, ठीक है। अब आईपी एड्रेसेस के अंदर भी क्लासेस हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही, नेटवर्क्स कोर्स के अंदर पढ़ा होगा आपने, क्लास ए आईपी एड्रेसेस, क्लास बी आईपी एड्रेसेस, क्लास सी आईपी एड्रेसेस, क्लास डी और क्लास ई आईपी एड्रेसेस। ये तीनों तो आपको पता है कि हम लोग अपने लोकल यूज कर सकते हैं, ऑफिस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, घर के लिए नेटवर्क बना सकते हैं IPv4 के थ्रू, ए बी सी, ठीक। डी जो है ये रिजर्व किया गया है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग का मतलब है कि अगर मैं कोई मैसेज सेंड करूं, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उन सबको वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, मल्टीकास्ट हो जाएगा, ठीक है। और तो किसी एक मशीन के लिए नहीं होता है, कंप्यूटर के लिए नहीं होता, बल्कि मल्टीपल मशीन्स और कंप्यूटर्स के लिए वो मैसेज होता है, तो यू कॉल इट एज मल्टीकास्ट मैसेज। अच्छा, ई जो है ये यूज होता है फॉर द रिसर्च पर्पज के लिए, फ्यूचर के लिए इसको रखा गया है, और इसको इस्तेमाल अभी हम लोग नहीं करते, या इसके अंदर फ्यूचर में जो और ज्यादा डिटेल नेटवर्क्स, बड़े नेटवर्क्स या डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स, मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग यूज होगी तो उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस क्लास ए के जो आईपी एड्रेसेस है उसमें नेटवर्क थोड़े से बनते हैं, 7 बिट्स जो होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं, 24 बिट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि 2 पावर 24, यानी कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्क कितने हो सकते हैं, यानी कि कितने नेटवर्क बना सकते हैं, 7 2 पावर 7, ठीक है, थोड़े से नेटवर्क बन सकते हैं। अच्छा, बी क्लास में 14 बिट्स नेटवर्क की है, यानी कि 2 पावर 14 नेटवर्क बन सकते हैं, और होस्ट कितने, 2 पावर 16, ठीक है, तो बहुत सारे होस्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं एक नेटवर्क में 2 पावर 16, और कितने नेटवर्क बन सकते हैं, 2 पावर 14। अच्छा, सी क्लास के अंदर कंप्यूटर कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 2 पावर 21, यानी कि यू नो नेटवर्क्स बहुत ज्यादा बना सकते हैं, कंप्यूटर थोड़े से, कंप्यूटर कितने, 2 पावर 8, ठीक है, थोड़े से कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेसेस की 2 पावर 28 है, और अनयूज्ड जो है वो 2 पावर 27। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही, इसमें अगर क्वेश्चन हो तो नेटवर्किंग में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लेना, कमेंट्स में लिखना, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा इसका, ठीक है। देन वी हैव ये अगेन वही आईपी के ऊपर ही है, इसको भी देख लीजिएगा, आईपी एड्रेसेस कैसे रिजॉल्व होती है, उसके लिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी कि जब आप कोई नाम बताएंगे तो वो आपको आईपी एड्रेस बता देगा, और अगर आप आईपी एड्रेस देंगे तो आपको नेम बता सकता है, इस तरह की चीजें होती है, ये यू कैन स्टडी योरसेल्फ, ठीक है, ये नेटवर्किंग की चीजें, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अच्छा, अब पैकेट की बात करते हैं, पैकेट कैसे होता है, पैकेट यानी कि जिसमें डेटा डाला जाता है और डेटा भेज दिया जाता है डेस्टिनेशन के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर ए ने डेटा भेजा है कंप्यूटर बी को, तो डेटा विल बी यू नो फर्स्ट प्लेस्ड इन द पैकेट एंड दैट पैकेट विल बी सेंड टू द नेटवर्क। तो पैकेट का डेटा जाएगा डेटा में, इधर ये डेटा डाला जाता है, डेटा के साथ एड्रेस लगाई जाती है डेस्टिनेशन की, यानी कि जहां पे वो डेटा जाएगा उसकी आईपी एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस और उसका जिसने डेटा भेजा है उसका आईपी एड्रेस, ठीक है, यानी कि मैंने अगर डेटा भेजा तो मेरा आईपी एड्रेस, आपको डेटा अगर भेजा है तो आपका आईपी एड्रेस, और डेटा जो मैं भेजना चाहता हूँ, हेलो हाउ आर यू या जो मैसेज है, कोई ऑडियो है वीडियो है, वो डेटा, ठीक है, विल बी सेंट इन द पैकेट, विल बी प्लेस्ड इन द पैकेट, एंड पैकेट की साइज जो होगी वो 64 किलोबाइट्स, फॉर एग्जाम्पल पैकेट्स डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा आपकी नेटवर्क स्पीड पे, आपके डेस्टिनेशन मशीन पे कितनी साइज का पैकेट वो एक्सेप्ट करता है, वैसा डेटा सेंड और रिसीव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो पैकेट चला जाता है, पैकेट राउटर के थ्रू राउटिंग करके घूम फिर के, यानी कि डिफरेंट एड्रेसेस डिफरेंट यानी कि तरीकों से डिफरेंट लोकेशन से घूम फिर के वो पैकेट्स आके पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन पे उन पैकेट्स को अरेंज किया जाता है और डेटा पहुंच या रीड किया जाता है डेस्टिनेशन पे, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन हो तो यू कैन डिस्कस मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा। आईपी राउटिंग इसको आप खुद देख लेना, इसकी जरूरत नहीं होगी, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है, हमें इस कोर्स में इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट यू ऑलरेडी आई थिंक स्टडीड इन द नेटवर्किंग कोर्स, और ये प्री रिक्वेस्ट है, ये आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं हो पता और मुझसे डिस्कस करना चाहें तो यू कैन डिस्कस मी यू नो इन नेक्स्ट क्लास, या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये राउटिंग का तरीका, राउटिंग में कंफ्यूज ना हो, राउटिंग सिंपल चीज है, देखें सपोज करें आपको यूनिवर्सिटी से जो है ना वो आपको घर जाना, तो आप मल्टीपल रास्ते, कोई स्टूडेंट सपोज करें यूनिवर्सिटी से निकल के हाईवे की तरफ से जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो सकता है कि जामशोरों की तरफ से जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो सकता है निकल के कोटरी की तरफ से जा रहे हैं,
ठीक है, तो ये मल्टीपल रास्ते है ना, तो ये राउटिंग के तरीके है, यानी कि राउटर के पास भी मल्टीपल रास्ते होते हैं और वो डेटा को मल्टीपल रूट से डेटा को भेजता है, एक जो शॉर्टेस्ट रूट होता है ना वहां से भेजता है। लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट रूट जो है वो बिजी है, अगर रश है उस पर, ज्यादा ट्रैफिक है, तो हो सकता है वो दूसरे रूट से भेज दे। तो सारे पैकेट्स एक रूट से नहीं आते बल्कि मल्टीपल रूट से, डिफरेंट रूट से घूम फिर के पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होंगी तो राउटिंग को। अच्छा, IPv6 आपको पता है कि IPv4 में थोड़े से IP एड्रेसेस थे, 4 बिलियन थे। अब ज्यादा कंप्यूटर्स मशीन्स आ गए नेटवर्क के ऊपर तो ज्यादा आपको IP एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए IPv4 बनाया गया है जिसमें बहुत ज्यादा IP एड्रेसेस हैं। और ये पूरी दुनिया में अगर हम हर कंप्यूटर को, हर टैबलेट को, हर मोबाइल फोन को, हर बंदे को IP एड्रेसेस देना, तो उसके बाद भी IP एड्रेसेस बच जाएंगे, ये इतने ज्यादा IP एड्रेसेस हैं। ठीक है, फ्यूचर को सोचते हुए इतने ज्यादा IP एड्रेसेस बनाए गए हैं। ये IP एड्रेस का IPv6 का हेडर है, 128 बिट का ये एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का 128 बिट का ये सोर्स एड्रेस होता है, यानी कि पैकेट के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप IPv6 यूज करोगे तो 128 बिट का सोर्स एड्रेस होगा, यानी कि जिसने मैसेज भेजा है उसका एड्रेस, 128 बिट का एड्रेस उसका होगा जहां पे ये डेटा जाना है। उसके बाद उसकी लेंथ होगी, कितनी लेंथ है उसका, हेडर, उसकी लिमिट, और फिर उसमें पैरिटी बिट्स होंगी, करेक्शन बिट्स होंगी, वर्जन होगा, फ्लो होगा, और उसके ऊपर फिर डेटा होगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चंस अगर होंगे तो यू कैन डिस्कस विद मी, बिकॉज ये मेरे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये नेटवर्किंग की चीज है, ये आपको प्री रिक्विजिट है, पहले से पता होंगे। अच्छा, मोबाइल IP एड्रेसेस, यानी कि लोकल जब छोटे से एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, या फिर आपने दोस्तों में एक गेम खेलते हैं तो वाईफाई कनेक्ट करा के हॉटस्पॉट क्रिएट करके, तो उसमें जो IP एड्रेसेस होती हैं मोबाइल IP एड्रेसेस होती हैं। ठीक है, और वो फिर पर्टिकुलर एड्रेसेस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सेसिबल होती हैं और छोटे से नेटवर्क के अंदर वो एक्सेसिबल या शेयरेबल होती है। ठीक, वो काम तो नॉर्मल IP की तरह होती है, लेकिन क्योंकि वो PDS, लैपटॉप्स, डिजिटल फोन्स के थ्रू क्रिएटेड होती हैं, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू, तो इसलिए हम उनको मोबाइल IP कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सेंडर है, ये होम, और ये छोटा सा एक नेटवर्क क्रिएटेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा मोबाइल नेटवर्क क्रिएट करके बैठा हुआ है और इसके थ्रू डेटा और सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है। तो IP एड्रेस इनको भी चाहिए, यहाँ पर इसको भी IP एड्रेसेस चाहिए, तो हम हो सकता है कि मोबाइल IP राउटिंग मैकेनिज्म को यूज करते हुए डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग कर लें। ठीक है, इसमें भी अगर क्वेश्चंस हो तो यू कैन डिस्कस मी इन द नेक्स्ट क्लास। इसको थोड़ा आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है, वो तो आसान सी चीज़ है ये। ठीक है, देन वी हैव लास्ट, दैट इज TCP एंड UDP। मैंने अभी बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये वो चीज़ें जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं आप लोगों को इनकी प्रोग्रामिंग सिखाना चाहता हूँ, इसलिए इन प्रोटोकॉल्स को आप थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, TCP प्रोटोकॉल रिलायबल प्रोटोकॉल है, स्लो है, लेकिन गारंटीड डेटा पहुंचाता है। डेटा नहीं पहुंचती तो वो दोबारा से डेटा को सेंड करता है, डेटा की एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है, डेटा पहुंच जाता है तो कन्फर्मेशन आती है कि डेटा पहुंच गया। ठीक है, यानी कि ये रिलायबल प्रोटोकॉल। UDP फास्ट है लेकिन रिलायबल नहीं है, डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा उसका पता नहीं चलता। फास्ट है लेकिन ऑडियो वीडियो की डेटा, लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंदर हम ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं, लेकिन ये रिलायबल नहीं है, डेटा नहीं पहुंचा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेंडर जो है वो डेटा भेजता रहता है, रिसीवर ने रिसीव किया या नहीं किया ये सेंडर का मसला नहीं होता। ठीक है, जैसे हम लोग कोई लाइव मैच देखें अगर, तो कोई इंटरनेट के ऊपर अगर लाइव मैच आ रहा हो क्रिकेट का या फुटबॉल का या कोई भी, तो अगर यूजर अपना लॉगिन करेगा और उस पर्टिकुलर चैनल पे जाएगा तो उसको वो मैच नजर आएगा, बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन डेटा स्ट्रीम होता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो स्ट्रीमिंग वगैरह में हम यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग दोनों की मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसको यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं और TCP को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें भी साइज है 64 बिट का, ये इसका मिनिमम एडिशनल कॉस्ट, डिले अब नो सेटअप कॉस्ट। ठीक है, ये फास्ट है, इसमें कोई सेटअप कॉस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसमें डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है, फास्ट है लेकिन, इसको पढ़ोगे जो बताया है वो क्लियरली लिखा हुआ है। TCP के लिए कहता है इसमें गारंटी है, डेटा पहुंचेगा, उसकी ऑर्डर प्रिवेंशन होगी, प्रिजर्वेशन होगी। ये स्लो है लेकिन गारंटीड है, एक्नॉलेजमेंट डेटा की आएगी, इसमें सिक्वेंसिंग होगी,
एंड दिस कनेक्शन विल बी क्रिएटेड इन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन के बीच में कनेक्शन क्रिएटेड होगा और डेटा सेंड और रिसीव किया जाएगा उस कनेक्शन के ऊपर. ठीक है, स्लो है लेकिन रिलायबल है. इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी. ठीक है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं? डीएनएस आपको मैंने क्लास में भी बताया था. डीएनएस एक सर्वर है, एक कंप्यूटर है. उसको हम अपने कोई नाम बताते हैं तो वो हमें उसका आईपी एड्रेस बताते हैं. जैसे मैंने लिखा www.google.com, तो डीएनएस सर्वर मुझे उसका आईपी एड्रेस बता देगा. उसके पास एक टेबल होता है, उस टेबल में एक तरफ नेम लिखा होता है, दूसरी तरफ आईपी एड्रेस लिखा होता है. तो जब भी यूजर, जब भी ब्राउजर या आपका कंप्यूटर कोई साइट सर्च करता है या किसी होस्ट का नाम पूछता है तो डीएनएस उसका आईपी एड्रेस बता देता है. ठीक है, या फिर अगर आपने आईपी एड्रेस बताया है तो वो रिवर्स में आपको नेम भी बता सकता है. उसको डीएनएस सर्वर या डीएनएस नेम सर्विस कहते हैं. ये हर आईएसपी के पास ये सर्वर होता है. ठीक है, ये इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन डिस्कस मी इन द नेक्स्ट लैब. फायरवॉल्स आपको पता है कि एक हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. नेटवर्क के अंदर डेटा आने के लिए या नेटवर्क से डेटा बाहर जाने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं ताकि डेटा की सिक्योरिटी हो सके, वायरस से बच सके, हैकर से, अटैक से बच सके. वो पोर्ट नंबर्स जो यूज में नहीं है उनको ब्लॉक रखता है, वो पोर्ट एड्रेसेस जो हमने खोल दिए होते हैं उनको वो ओपन रखता है ताकि डेटा सेंड और रिसीव हो सके, और उनको स्कैन भी करता है. ठीक है, कि डेटा के अंदर कोई वायरसेस या मैलिशियस डेटा तो नहीं है. अगर मैलिशियस डेटा या वायरसेस वगैरह होते हैं तो उनको वो प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है. ठीक, ये फायरवॉल कुछ इस तरह काम करता है. ये इंटरनेट है, यहाँ पे फायरवॉल लगा हुआ है, और इधर हमारे ऑफिस के घर के कंप्यूटर्स हैं. जो डेटा आएगा वो यहाँ से गुजर के अंदर आएगा और बाहर जाएगा, तो इससे डेटा के अंदर जो वायरसेस होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, हैकर के अटैकर्स होते हैं वो उनसे बचाता है हमें. ठीक है, और अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर, अनवांटेड सॉफ्टवेयर, अनवांटेड डेटा से हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ये मैंने नेटवर्किंग की कुछ चीजें पढ़ाई हैं आपको जो हमें इस कोर्स के अंदर चाहिए होगी. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो होंगे वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी कि यूडीपी प्रोग्रामिंग या टीसीपी प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, और ये नेटवर्किंग के थोड़े से कंसेप्ट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा. अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन डिस्कस मी इन टुमारोज क्लास, या फिर आप लोग मुझसे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, या मैसेज कर दें, या फिर आप कमेंट्स कर दें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा. ठीक है, चलें, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.